बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ विजडम स्कूल्स, अस्सलामु अलैकुम। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास प्ले ग्रुप डे नंबर 54, थर्सडे 18 जून। इन क्लास वर्क ऑफ इंग्लिश वी विल डू वर्कशीट नंबर 11 ऑफ लेटर एच एंड देयर विल बी नो होमवर्क टुडे। दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 11 ऑफ लेटर एच। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द लेटर सर्कल द फर्स्ट लेटर रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो लेटर रिलेट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, द इनिशियल साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी विल एनसर्कल दैट लेटर। हैन, सी फॉर हैन, एच फॉर हैन या ओ फॉर हैन। एच फॉर हैन होता है, हैन होता है, इसलिए हम हैन को सर्कल करवा देंगे। नेक्स्ट इज हट, H for hut, G for hut और A for hut। G H for hut, hand, H for hand, horse, H for horse। Color the hat, question number 2 is color the hat, hat में color करवाने हैं। Third question है trace letter H trace करवाना है आपने। तो इस तरह ये objects जो हैं वो आप बच्चे को notebook पर बना दें और लेटर सर्कल करवा लें, हेड बना दें, उसमें कलर करवा लें और लेटर एज ट्रेस करवा लें। ठीक है, ये आप अलहदा से पेज पे भी बच्चे को वर्कशीट बना कर दे सकते हैं और बाद में नोटबुक पे पेस्ट कर लें, और आप डायरेक्ट नोटबुक पे भी ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बना कर दे सकते हैं। और आज इंग्लिश का होमवर्क नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैथ्स है। मैथ्स में हम पेज नंबर 46 पर लाइन नंबर 2 क्लास वर्क में करेंगे और होमवर्क में होगी लाइन नंबर 3-4 ऑन बुक पेज नंबर 46। देयर इज कलरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन पेज नंबर 46। क्लास वर्क में हम करेंगे लाइन नंबर 2। दीज आर कॉन्स। अब ऊपर हमने देखना है कि कितने कॉन्स में हमने कलर करना है। 4 कॉन्स में कलर करवाना है और ग्रीन कलर करवाना है, लाइट ग्रीन। 1, 2, 3, 4 4 कॉन्स में हम लाइट ग्रीन कलर करवाएंगे एंड 2 कॉन्स विल बी लेफ्ट। नेक्स्ट इज लाइन नंबर 3 एंड 4। 4 एंड 5 विल बी योर होमवर्क, 3 एंड 4। अब सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स में हम हाउ मैनी सिलेंडर्स देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिलेंडर्स हैं और कितने सिलेंडर्स में हमने कलर करवाना है, 3, और कौन सा कलर करवाना है, येलो। इनमें से हम 1, 2, 3 जस्ट 3 सिलेंडर्स में येलो कलर करवाएंगे और बाकी को हम वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड कलर इन 2 क्यूबाइड्स। इनमें से सिर्फ हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यूबाइड्स हैं, इनमें से हमने सिर्फ 2 क्यूबाइड्स में कलर करवाना है, रेड। रेड कलर करवाना है आपने क्यूबाइड्स में। ठीक है, ये मैथ का काम हो गया। आगे है उर्दू। उर्दू में हम क्लास वर्क में रे लिखेंगे, लाइन नंबर 1, 2, 3 किताब पर लिखवाएंगे, सफ़ा नंबर 42 पर। लाइन नंबर 4, 5, 6 जो है वो किताब पर लिखना है, सफ़ा नंबर 42 पर। क्लास वर्क में होगा लाइन नंबर 1, 2, 3, ये क्लास वर्क के लिए होगा, और होमवर्क के लिए होगा लाइन नंबर 4, 5, 6, यानी कि कंप्लीट पेज जो रे है वो बच्चे को ट्रेसिंग करवानी है। नेक्स्ट इस्लामियत है। इस्लामियत का क्वेश्चन नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 पर हम करेंगे। सवाल नंबर 2 है सीढ़ियाँ कैसे उतरनी चाहिए। सीढ़ियाँ उतरते वक्त भी हमेशा आहिस्ता और देख कर कदम रखना चाहिए। तो जब भी बच्चे को काम करवाना है, डे और डेट लाजमी लगवानी है। काम बच्चे से रेगुलरली करवाएं और नीटली करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।